आई थिंक ये स्टॉक सिर्फ बी में ही लिस्टेड है करेक्ट ड्रॉन बनाने वाली कंपनी है यहाँ पर जिस तरह का चार्ट का बड़ा टाइम बड़ी चार्ट के ऊपर देखते हैं तो ये देखो आप लोग कि इसका लिस्टिंग हुआ था करीबन दिसंबर 2022 में एक साल के करीबन हो चुका है लिस्टिंग हुआ था उसके बाद क्या अपमूव दिखाया था स्टॉक ने 244 तक कंटिन्यूसली गया था सौ रुपये के आसपास लिस्टिंग हुआ था और टू हंड्रेड एंड फोर्टी फोर गया था और लेकिन वापस से एक बार स्टॉक्स लोअर साइड्स दिखा रहा है करेक्ट क्योंकि देखो अब मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि समझ लो यहाँ से सेलिंग क्यों आया सब टेक्निकल पैरामीटर्स बुलिस थे बट जहाँ पर टेक्निकल ख़त्म होता है ना वहाँ पर फंडामेंटल पिक्चर में आता है तो जहाँ पर वैल्यूशन्स महंगे हो जाते हैं वहाँ पर आपको सेलिंग भी देखने को मिलेगा जिस तरह के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर है मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक्स अभी 125 के नीचे आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर गिरावट थम गई है कोई प्रॉब्लम है नहीं जिस तरह के का चार्ट का स्ट्रक्चर है मेरे मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि एक बार फिर से आपको 180, 190 तक के हायर लेवल्स इस स्टॉक के अंदर आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं सो so, हमारी रणनीति इस स्टॉक के अंदर बार डिप्स की जरूर से होनी चाहिए कौन से लेवल पे हमें काम करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ हमें तीन तीन लेवल के ऊपर हमें काम करना है जो करंट मार्केट प्राइस है 151, 152 के आसपास जो भी करंट मार्केट प्राइस है 151 के आसपास एटलीस्ट यहाँ पर 30 परसेंट क्वान्टिट्टी हमें बाय कर लेना है अगर यहाँ से डाउनफॉल अगर देखने को मिलता है तो और भी बाइंग हमें करना है 30 परसेंट क्वान्टिट्टी हमें बाय करनी है समवेयर अराउंड वन हंड्रेड और फिर फाइनली जो भी और भी गिरावट होती है तो वन हंड्रेड के आसपास वन थर्टी टू के आसपास अनद फोर्टी परसेंट क्वान्टिटी आप बाई कर लो और फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन रुपीज़ का सो so, ये स्टॉक के अंदर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक्स 125 के नीचे टेक्निकली जाएगा क्योंकि बॉटम बन चुका है ये स्टॉक के अंदर और ऊपर की साइड पे 190 190, 180, 200 तक के हायर लेवल्स भी देखने को हमें आसानी से मिल सकते हैं तो यही चीज़ मैं आपको मेरी इंडिकेटर पे भी, भी, भी दिखाने की कोशिश करता हूँ करेक्ट तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिए सो so, आप लोग देखिए बड़ी टाइम फ्रेम का चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा चार्ट अवेलेबल है बट आप वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो जब गिरावट होने वाली थी उससे पहले ही मेरे इंडिकेटर ने बता दिया था कि भाई निकल जाओ और यही चीज़ अगर आप डेली के ऊपर भी देखोगे तो देखो जब भी सेल सिग्नल आया है उसके बाद क्या गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है शॉर्ट एग्जिट ऑलरेडी आ चुका है गिरावट यहाँ पर थम गई है और बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन माय एनालिसिस बेस्ड ऑन माय नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं इसमें जिस तरह का प्राइजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसा ही प्राइज एक्शन आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक के अंदर